कर रहा है। इसीलिए इसीलिए आज हम लोग इतने एक्साइटेड है, हम लोग इतने प्राउड है। हर एक फाउंडर को मालूम है कि अपना लाइफ चेंज है, लेकिन उसमें भी कुछ फाउंडर्स है जिनको और कुछ नहीं मतलब रखता है। वो तो कभी मीटिंग में आता है, नहीं आता है, कभी कभी उठ के देखता है और सडनली एक क्वेश्चन पूछता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एप्पल कभी आएगा? ये सबसे दुखद भरी चीज है। मुझे मालूम है सभी लोग वेट कर रहे हैं, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट। बट आप लोग देखो कि सामने वो क्या कर रहा है, वो सामने कितना बड़ा चीज कर रहा है, और डेफिनेटली उसको भी मालूम है ये चीज, और डेफिनेटली उसके टूवर्ड्स ही वर्क हो रहा है। बट इट इज ऑन द सेफर जोन और इट हैज टू बी ऑन अ लीगल जोन ऑल्सो। ये जो उसका काम हो रहा है उसमें जरा भी आगे पीछे नहीं होने का वो टेक केयर कर रहा है। एंड आई एम श्योर हर बार अगर एकदम टॉप का चीज लिया है, हर बार अगर कुछ भी अनाउंस किया है तो वो एकदम टू द टॉप है। और उसने बोला मैं एवरी टाइम जो टॉप न्यू अनाउंस करूंगा दैट विल बी द बेटर वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। जैसा यहां से ऑफिस लिया, ऑफिस के बाद बुर्ज खलीफा के बाद फीफा का, फीफा के बाद स्टेशन का। तो आप सोचो वो लेवल अप इतना जबरदस्त वे से कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? दीज आर टोटल बेनिफिट्स फॉर द ब्रांड एम्बेसडर्स, दैट इज फाउंडर्स। क्यों? क्योंकि जितना भी क्राउड आएगा, गेट क्रैश होके गेट खोलेगा तो बरसात जैसा क्राउड आएगा, वो कहां जाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स के पास जाएगा। और यही वो एटीट्यूड ही नहीं लिया है, उसने जो स्टेटमेंट दिया है इट्स अ डन डील और इन इट टू विन इट, उसको लेके चला है, जैसे चीज को बड़ा करते चला गया है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? हमारे पास भी थोड़ा एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड कभी संभालना चाहिए। अभी तो ठीक है, सब लोग है ठीक, ये वो। आई एम टेलिंग यू आफ्टर द एप्पल फॉल्स, प्लीज आप पहले तो पेशेंस आपका टेस्ट हो गया, एप्पल गिरने के बाद आपका रियलिटी टेस्ट होगा, आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आप कैसे बिहेव करता है। मैं तो बोल रहा हूं कि जितना नम्र रहता है, जितना हो सकता है एजुकेशन देने का, जितना हो सकता है अपन हेल्प करने का, दिल से करने का, वो एटीट्यूड हमको रखने का है। जहां पर यहां पर देखो कि एक आदमी जहां पर उसको फुल चांस था, जहां पर अगर ये बिल्ड करता था और ये पूरा सिस्टम में अगर हमको नहीं भी बांटता था और अपने उसके पास इतना कैपेसिटी भी था, कल भी था और सब कुछ था, लेकिन वो हमको लेके चला और हमको जो जो प्रॉमिस किया वो सारा कुछ दिया है। तो हमको भी वही करना है, हमारा थोड़ा एटीट्यूड को, मतलब ये ट्रेनिंग लेके हमको, अगर आप समझ गए हो तो आपके लोगों को समझाना है, अच्छी चीज समझाना है, अपने को कौन से वे से बिहेव करने का है, अगर अपना माइंडसेट एक पर्टिकुलर वे से हमको माइंडसेट कैसे चेंज करना है हमको। लोगों को आज हमारा टाइम ऐसा आने वाला है कि हमको वो चीज में, यानी फाइनेंशियली हमको तकलीफ नहीं होने वाला है, लेकिन बाकी सब चीज में तकलीफ हो सकता है अगर आपका एटीट्यूड राइट नहीं है तो। अगर आपका जो मेंटल, जो वे से आप बिहेव करते हो या जिसको करते हो, बहुत सारा चीज है। जहां पर एस सर ने बोला था कि फाउंडर्स एक ऑनररी प्लेटफॉर्म होगा, ऑनररी प्लेटफॉर्म मतलब एक साल के बाद शायद कोई मस्ती कर रहा है, वो बिहेव नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग गारंटी नहीं कर सकते। एक साल में तो बहुत कुछ, बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा उसका स्टेटस होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फाउंडर ही रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, बिकॉज रिन्यूअल चलता है। तो आप लोग को मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आप सच में ये मिशन में एड सर के साथ हो और एड सर को बिलीव करते हो, एड सर का थॉट्स को बिलीव करते हो और पूरे वर्ल्ड को एक करने की वो जो बात करता है, बाउंड्रीज को उड़ाने की बात कर रहा है, करेक्शन टू करप्शन की बात कर रहा है, तो वो फॉर्म में हम लोग सब लोग मिलके वी शुड वर्क टूवर्ड्स दैट। ओके, और ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग है जो फ्रस्ट्रेट होता है कि जब से वो ऑन पैसिव ज्वाइन किया, अपना काम धंधा छोड़ गया, अभी तो ऑन पैसिव आने वाला है, उसके बाद ही मैं काम करूंगा, अभी तो मैं लेट जाऊंगा, मैं आराम करूंगा, बहुत काम कर लिया। ये आदमी लोग सबसे ज्यादा रोते हैं आज के तारीख में भी, बिकॉज हाथ में जो काम है वो करना जरूरी है। अगर आप जॉब में थे तो जॉब भी करना जरूरी है, अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे तो वो भी करना जरूरी है। खाली ये सोच के कि भाई बारिश गिरने वाला है, जोरदार बारिश गिरने वाला है, मैं पानी क्यों भरूं, लेकिन आज पानी पीने का है, वो हमको करना बहुत जरूरी था। और थोड़े जो फ्रस्ट्रेशन चलता है वो वहीं पे चलता है, लेकिन उनको भी वो पिक्चर दिख गया कि ये आदमी फाउंडर्स के लिए क्या कर रहा है। उनका फ्रस्ट्रेशन होता है भाई भाई बोल देना यार, अभी कितना हो गया, अभी तो हद के बाहर हो गया, अभी तो एप्पल्स चाहिए, ये उनकी लैंग्वेज है। लेकिन जो अंदर इन्वॉल्व है, जो बार बार रोज रोज जो देखता है, और ये सारा कुछ जो हो रहा है, मतलब लेटेस्ट भी टॉप जो, वो तो बड़ा है, मतलब यू अंडरस्टैंड क्या है ऑन पैसिव स्टेशन, क्या है ऑन पैसिव स्टेशन? एक
ऐसा मार्केटिंग मशीन डेवलप किया है जो 24 घंटा चलेगा हमारे लिए और 24 घंटे हमको रिजल्ट देगा, 24 घंटा हमको डेटा देगा। किसी ने नहीं सोचा है, ऐसा एक आदमी ने सोच लिया है, मतलब उसका टीम ने सोचा है, और खाली सोचा ही नहीं, उसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उसके कंपटीशन में, उन सबको हरा के आगे चीर फाड़ के ऑन पैसिव नाम उधर डाल दिया है। तो एक बहुत बड़ा चीज है, न्यू टॉप, नोबडी हैज डन दैट। वो न्यू टॉप पे अगर हम लोग जाके बैठे हैं तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुपर डुपर ट्रैफिक होगा, क्योंकि आज हमारे पास बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स है विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट वैल्यू, ये सारा कुछ चीज है। उसके ऊपर सुपर डुपर मार्केटिंग टीम हु हैज डेवलप्ड अ सुपर डुपर मार्केटिंग सिस्टम, इनोवेशन मतलब एक नया चीज, और नया चीज को एक्सेप्ट करने का, वो भी हमारा बॉस उसके साथ मिलके, और वो आइडिया जितना सुपर हिट होने का, ताकि हम लोग देखेंगे मीडिया में इधर उधर सब जगह ऑन पैसिव में तो आग लगा दिया, दुबई में मॉल में रस्ते पे पिलर पे सब जगह ऑन पैसिव दिख रहा है। तो लोग ये टाइप का कैंपेन आज तक देखा नहीं है, और ये टाइप का कैंपेन अभी ही बना है, और हम लोग का छाती कितना प्राउड होना चाहिए कि ऐसा एक हमारे पास एक हमारा मसीहा है टॉप में, जो ये सोचा है और हमारे लिए इतने सारा कुछ बिल्ड किया है, स्टाफ को फैमिली की तरह रखा, मार्केटिंग टीम को फैमिली की तरह रखा, जितने फाउंडर्स उसको फ्रेंड करके एड्रेस करता है, मतलब हम दोस्त लोग है, ऐसे एटीट्यूड वाला आदमी ऑलरेडी मिलियनर बिलियनर तो हो गया उसका वैल्यूएशन के हिसाब से, लेकिन मैं बोलता हूं ये हिस्ट्री इतना बड़ा क्रिएट करेगा। और एक स्टेटमेंट उन्होंने बोला, इट इज नॉट ओनली एन आईटी कंपनी, खाली आईटी कंपनी नहीं है, वी आर गोइंग टू इंपैक्ट ऑल द सेक्टर्स, ऑल सेक्टर्स मतलब कोई भी बोलो, ट्रेवल बोलो, ये बोलो, कोई भी सेक्टर पकड़ो, वो सेक्टर में अपन शेयर रहेगा। और उनको क्लियरली मालूम है, बिकॉज उसने इको सिस्टम बनाया, उन्होंने कोई आईटी कंपनी खाली एक सिंगल नहीं बनाया या 2, 5, 15 प्रोडक्ट नहीं बनाया, बट सब इंटीग्रेटेड है और हमारा डेटा सेंटर के साथ अंदर है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक आदमी जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड फैल के सब जगह, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग को अंदर लाया, जैसा हमारा सीईओ है मोहम्मद कमाल सर, जो एक न्यूक्लियर इंजीनियर था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो हमारे साथ जुड़ के सीईओ बना, मतलब उनको मालूम है कि कितना बड़ा अच्छा काम करने को जा रहा है और कितना विशाल काम ये होने को जा रहा है। तो मुझे तो जोश एकदम जबरदस्त है, आपको भी समझना चाहिए। लेट अस वेट फॉर सैटरडे, डेफिनेटली सम बेटर गुड न्यूज, जबरदस्त कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आपका एटीट्यूड को संभालिए, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, नॉट ओनली नाउ बट मोर इंपॉर्टेंटली व्हेन द एप्पल्स फॉल, प्लीज बी इन एन एटीट्यूड वेयर वी हैव लर्नड, अपन देखो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करने को जाना चाहिए, वो फीलिंग जो देने में है वो लेने में इतना नहीं है, ये 100% श्योर हूं। ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार मैं समाप्त करता हूं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।